आपका बहुत बहुत स्वागत LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम के बारे में। नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के एग्जाम किस प्रकार होने वाले हैं, इसके संबंध में मध्य प्रदेश बोर्ड ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक दसवीं बारहवीं और नौवीं और ग्यारहवीं की मेन एग्जाम अब ओपन बुक प्रणाली पर आधारित होंगे। छात्र अपने घर में बैठकर उत्तर लिख सकेंगे। कमजोर स्टूडेंट की बल्ले बल्ले हो गई है और ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं 6 और 8 अप्रैल का। चलिए अब आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करते हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किस तरह होंगे दसवीं और बारहवीं के प्री बोर्ड और नौवीं और दसवीं के मेन एग्जाम। विस्तृत गाइडलाइन हुई जारी। MP बोर्ड 9th क्लास से 12th क्लास तक एग्जामिनेशन गाइडलाइन 2021। एक बार कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने परीक्षाओं को फिर से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अपने ढंग से परीक्षा कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा दसवीं और बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस गाइडलाइन में नौवीं से बारहवीं तक की परीक्षाओं को नियमित की बजाय वैकल्पिक ढंग से आयोजित करने का निर्देश दिया गया है और यह गाइडलाइन मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 6 अप्रैल और दूसरी गाइडलाइन 8 अप्रैल को जारी की है, जिसे हम आपको आगे पूरी तरह से बताने वाले हैं। परीक्षा किस तरह होगी यह भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसमें नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को आयोजन करने के लिए और दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सभी संबंधित विद्यालयों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के मुताबिक स्कूल कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं और दसवीं तथा बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में करा सकते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर स्कूल स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर वितरित कर देंगे और परीक्षार्थी इन प्रश्न पत्रों को घर पर ले जाकर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखकर निर्धारित समय सीमा के अंदर विद्यालयों में जमा करेंगे। सरकारी स्कूलों में परीक्षा दूसरे विकल्प से होगी, जबकि निजी स्कूलों को विकल्प चुनने की छूट दी गई है। सरकारी स्कूलों में परीक्षा किस प्रकार होगी आइए हम आपको बताए देते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के नोटिस में कहा गया है कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में नौवीं और दसवीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा दसवीं और बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं दूसरे विकल्प से आयोजित कराई जाएंगी, अर्थात सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को स्कूल द्वारा प्रश्न पत्र वितरित कर दिया जाएगा और वे घर से हल करके निश्चित समय सीमा के तहत स्कूल में जमा कराएंगे। तो इस तरह परीक्षार्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों की बल्ले बल्ले हो गई है जो कि कम पढ़ते हैं या जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। निजी स्कूलों में परीक्षा किस तरीके से आयोजित की जाएगी इस संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को दोनों में से किसी भी एक विकल्प को चुनने की आजादी है, अर्थात निजी स्कूल पहले विकल्प के मुताबिक स्कूल कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा दसवीं और बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में करा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि स्कूल स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर घर के लिए करने को दे सकते हैं और निर्धारित समय सीमा में स्टूडेंट उन्हें जमा कर सकते हैं या स्कूल उनसे जमा करवा सकते हैं। तो यह दोनों के लिए फायदेमंद है और काफी अच्छा विकल्प दिया गया है। आप देख सकते हैं यह है लेटेस्ट अपडेट आपके साथ हम जो शेयर कर रहे हैं। 6 अप्रैल को स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है यह निर्देश, पूरा निर्देश है। इसको हम आपको जूम करके बड़े में दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं इसमें पूरा जो हमने ब्यौरा दिया है वह इसमें आप पढ़ सकते हैं। दो विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से विद्यालय अपने तरीके से इन परीक्षाओं करवा सकते हैं। यह सब COVID-19 लॉकडाउन के चलते किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट 8 अप्रैल का भी है, जिसके तहत और भी निर्देश जारी किए गए हैं। आप इस अपडेट को देख सकते हैं और इसके बारे में हम आगे और भी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यह हमने जूम करके बताया है, आप पढ़ सकते हैं पूरा। जय श्री कियावत ने इसे जारी किया है, आयुक्त है लोक शिक्षण मध्य प्रदेश 8 तारीख को।
तो गाइडलाइन में स्कूल के प्रिंसिपल से कहा गया है कि वह कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं करवाएं। यानी कि ये अब स्कूल प्रिंसिपल पर छोड़ दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जो जारी किया गया था पहले, लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण जिलों में भिन्न भिन्न परिस्थितियां निर्मित होने के कारण समय सारणी के अनुसार कार्रवाई करने का बंधन समाप्त किया जाता है। यानी अब प्रिंसिपल्स जो है वह टाइम टेबल अपने अनुसार बना सकते हैं, पुराने टाइम टेबल का उन्हें अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। किस पेपर को कब कराना है यह सब स्कूल प्रिंसिपल पर छोड़ा गया है। वह अपने विवेक से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकते हैं। और आदेश में यह भी कहा गया है कि 12 अप्रैल या जिले में जिस दिन भी लॉकडाउन खुले उस दिन अपने जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रश्न पत्र व आंसर शीट एक साथ दे दी जाए विद्यार्थियों के लिए। और स्कूल से प्रश्न पत्र वितरित करने का समय निर्धारित किया है 9 से 12 बजे सुबह। हालांकि प्रिंसिपल अपने स्तर से अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय तय कर सकते हैं। इस दौरान जब यह सब वितरण चल रहा होगा तो कोरोना से बचाव की गाइडलाइन को पालन करना होगा स्टूडेंट्स को भी और स्टाफ को भी। स्टूडेंट से वापस आंसर शीट लेने के लिए प्रिंसिपल अपने स्तर से तारीख तय कर सकते हैं। तो बहुत कुछ अब देखा जाए तो पूरा का पूरा अब प्रिंसिपल तय कर पाएंगे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ये परीक्षाएं संचालित हो सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कोरोना का प्रकोप आप जानते हैं बढ़ता चला जा रहा है और इसी के तहत यह सब निर्णय लिए गए हैं। तो ये समस्त गाइडलाइन हाल ही में जारी की गई हैं। अब पूरी तरह से स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन पर ही यह जवाबदेही होगी कि वह किस तरीके से अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं आयोजित करवाना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी प्राइवेट स्कूल भी दो तरीके से परीक्षाएं करवा सकते हैं और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकते हैं। यह रही हमारी जानकारी, आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हम यद्यपि पीएससी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं SI SSC रेलवे इत्यादि से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें जरूर देखें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें ताकि जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।